नमस्कार देश विदेश को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय केवे मिलक टीका चिंतार 18-44 वर्ष बयस लोके सरकार को निरपता नहीं उठला प्रश्न विरोधी अभियोग ग्लोबल टेंडर नारे लोकों को भुआ बुलाउछते सेपटे कोरोना टीका पाई सब मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले नवे राज्य में टीकाकरण में केन्द्र बड़ भूमिका वर्तमान सुधा आसला 85 लाख अधिक टीका राज्य मान 50% मागणे टीका दे मोदी सरकार आदिवासी इलाके स्वास्थ्य सेवार आसला अस्वस्थ चित्र न अच्छा डाक्तर न अच्छा स्वास्थ्यकर्मी दरकार 134 अच्छा मात्र 17 राज्य सरकार को प्रश्न पिलां जीवन सह खेल कहीं यस जगू राज्य में 610 कोटी क्षति बात्या क्षयति नहीं मुख्यमंत्री समीक्षा पर सूचना 520 कोटी टंकार सरकारी भित्तिभूमि और 90 कोटी टंकार व्यक्तिगत संपत्तिर क्षति 11,000 गांव 60 लक्ष लोके प्रभावित बातिल हेबो कि युक्त दुई परीक्षा सीबीएसई द्वादश परीक्षा बंद निष्पत्ति पर एवं राज्य में परीक्षा को नहीं बढ़ला चिंता इंटरनाल परीक्षा होनथिबारु कौन निष्पत्ति नेबो विभाग ताहा उपरे नजर लक्ष लक्ष छात्र छात्री स्वास्थ्य और भविष्य सुरक्षा को नहीं प्रश्न विदेशी भैक्सीन को नहीं केन्द्र बड़ निष्पत्ति आउ देशर परीक्षा होबनी विदेश आसुथिबा टीका बिना ट्रायल रे टीकाकरण होबो सामिल उत्पादक देश किंवा हुर निष्पत्ति होबो चूड़ान्त टीकाकरण अभियान को सहज कर स्पुटनिक लाइट खूब शीघ्र भारत को आसव रुषिया वन डोज वैक्सीन कोविड सुरक्षा पर जथेष्ट गोटे डोज भारत कृषि और कृषकों पर खुशी खबर देश में प्रस्तुत है विश्वर प्रथम नानो लिक्विड यूरिया इफ्को द्वारा प्रस्तुत यूरिया कृषि क्षेत्र में आणव विप्लव आत्मनिर्भर भारत अभियान में आउपाद आगे देश आसवा संपूर्ण खबर को एणिकी आहरी द्रुततर होब भारत कोविड टीकाकरण अभियान टीकाकरण अभियान को सहज कर स्पुटनिक लाइट खूब शीघ्र भारत को आसव रुषिया वन डोज वैक्सीन कोविड सुरक्षा पर जथेष्ट गोटे डोज देश में कोवैक्सीन कोविशील्ड पर रुषिया स्पुटनिक वि को टीकाकरण में सामिल पर अनुमति मिलता बेले आग को आहरी केतोटी देश विदेश टीका भारत आसवर बाट फिटी एणिकी देशर टीकाकरण अभियान पूर्व अपेक्षा हेब आहुरी सहज नुआ आशा सृष्टि करिछि स्पुटनिक लाइट कोविड रु सुरक्षा पाई जथेष्ट गोटे डोज खूब शीघ्र भारत को आसिब रुषिया रो वन डोज वैक्सीन स्पुटनिक लाइट एणिकी आहुरी द्रुततर हेब भारत कोविड टीकाकरण अभियान देश में कोवैक्सीन कोविशील्ड पर रुषिया रो स्पुटनिक वी को टीकाकरण में सामिल पाई अनुमति मिलता बेले आग को आहरी केतोटी विदेशी टीका भारत आसवर बाट फिटी कारण विदेशी टीकापाई देश में आवश्यक होनः परीक्षा व्यवस्था को हटाई देखते केंद्र सरकार तेरे यही प्रक्रिय भारत को आसवाक जाऊँगी रूस प्रस्तुत वन डोज वैक्सीन स्पुटनिक लाइट अन्य टीका गुड़िकर दुईट डोज ने पड़ुता बेले स्पुटनिक लाइट रु गोटे मात्र डोज जथेष अर्थात गोटे डोज रे शरीर रे सृष्टि होई परिबो आवश्यकीय रोग प्रतिरोधक शक्ति स्पुटनिक लाइट को व्यवहार पय अनुमति मिलिले देशर टीकाकरण अभियान रे एहा हेबो प्रथम सिंगल डोज टीका स्पुटनिक वी भली स्पुटनिक लाइट को मध्य भारत आणिबा पय आवश्यकीय प्रस्तुति चलाईची हैदराबाद भित्तिक फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब विदेशी टीकार व्यवहार पय सरकारी नियंत्रक संस्थार अनुमति आवश्यक थिबारु शीघ्र ए कंपनी आवेदन करने को जाउछि रूसिया समेत अन्य केतक देश रे स्पुटनिक लाइट रा आवश्यक परीक्षण सरिछि एवं टीकाकरण रे मध्य शामिल होई सारिछि कोविड विरुद्ध रे एहार एकमात्र डोज प्राय 79.4% प्रभावशाली बोली परीक्षण रु जाना पडिछि एबे केंद्र सरकार विदेशी टीकार ब्रिज ट्रायल व्यवस्था उठाई देबाकु घोषणा करथिबारु स्पुटनिक लाइट एणिकी खूब सहज रे भारत को प्रवेश करने सहित टीकाकरण में सामिल हो पार सिंगल डोज टीका जो कम समय अधिक लोक टीका नहीं पारे एवं यह भारत सरकार टीकाकरण लक्ष्य साधन सहायक हो पार बोली आशा करा जाउछि
ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। विदेशी वैक्सीन को नहीं केन्द्र बड़ निष्पत्ति आउ देश में परीक्षा होबनी विदेश आसुवा टीका देश में बिना ट्रायल रे टीकाकरण सामिल उत्पादक देश कि हूर निष्पत्ति चूड़ांत निष्पत्ति केन्द्र सरकार बड़ निष्पत्ति आउ देश में परीक्षा होबना विदेश आसुवा कोविड टीका बिना ट्रायल रे सामिल हेबो टीकाकरण उत्पादक देश कि हूर अनुमति चूड़ांत एबे विदेशी वैक्सीन आसीबा हेला सहज पूर्व परी ट्रायल बा टीकार अनुमोदन प्रक्रिया पई आउ लागिबनी समय विश्व स्वास्थ्य संगठन किंबा अन्य देशर अनुमति प्राप्त कोरोना टीका कुने केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति नेछंती डीसीजीआई अमेरिका इंग्लैंड भली देशरे अनुमति प्राप्त कोरोना टीकार लोकल ट्रायल पई थिबा बाध्यबाध्यकता को हटाई देछंती एहार अर्थ हेउची विदेशी कोरोना वैक्सीन गुड़ी को एबे भारत रे ब्रिजिंग ट्रायल दे जीवा को पड़िबो नाही बुधवार दिन ए संपर्क रे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सूचना देछंती देश रे टीका अभाव भितरे डीसीजीआई रो ई निष्पत्ति विदेश रो टीका जोगाण को सहज करिवो सूचना योग्य जे फाइजर ओ मॉडर्ना भली विदेशी टीका कंपनी सरकार को सम्मुख रे एही शर्त रखिथिले तेबे वर्तमान भारत रे फाइजर ओ मॉडर्ना टीकार अनुमोदन त्वरान्वित करबा लागि सरकार इंडेमिनिटी बा आइनगत सुरक्षा देई पारंती बोली विशेष सूत्ररु जणा पडिछि हु द्वारा व्यवहार पई जेउ सबु वैक्सीन को अनुमति मिलिछि सेगुडी को भारत रे ब्रिजिंग ट्रायल न करबा को अनुमति मिलिछि एथिरे सेही सबु टीका मध्य शामिल अछंती जहां को विदेश रे आगरु लक्षाधिक लोक नै सारिछंती एहा छडा जेउ देश रे टीका प्रस्तुत हेउथिबो सही लैबोरेटरी रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट थिले भारत रे आउ कोनोसी ट्रायल रो आवश्यकता हेबो नै डीसीजीआई मुख्य बीजी सोमानी कहिछंती नेशनल ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन रो सुपारिश आधार रे एही निष्पत्ति निया जाइछि ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज आगो गोछने गुरुत्वपूर्ण खबर हले ब्रेक परे ब्रेक परे स्वागत बाजिला ग्लोबल टेंटर टेंकुरा हेले टेंटर अंशग्रहण कले नाही कोनो से टीका कंपनी पदरे पड़ला मिछ प्रचार सत चेहरा आउ यहाँ परे देशर समस्त मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिले मुख्यमंत्री लेखाश्री कहिले केन्द्र विरोध रे ड्रामा फार्स नाटक परे शेषरे अकलर पड़े सत कहिले ग्लोबल टेंडर रा हैंगओवर रु ओल्हाइले राज्य सरकार आउ निजे नुहे केन्द्र टीका किणी देउ बोली कहिले राज्य सरकार आ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एने सब राज्य मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले आ लोड़िले सब राज्य सरकार को सहायता नवीन तक चिठी में उल्लेख करिछंती केन्द्रीय स्तर में टीका संग्रह करा जाई राज्य मानंकु दिया जाऊ टीकाकरण नियम आवश्यक मुताबक परिवर्तन करिवारे केन्द्र राज्य गुड़ी को सुजोग देउ प्रथम ग्लोबल टेंडर को नहीं सरकार बेस प्रचार करिबा सह 18-44 वर्ष बयसर समस्त मागणारे टीका दिया जिबा नै राज्य सरकार घोषणा करिथिले हेले ग्लोबल टेंडर को नहीं सरकार बाहस्फोट मारुवा बेले स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास को चिट्ठी ग्लोबल टेंडर रो गुमर को खोली देतिला एवं माननीय मुख्यमंत्री जेहेतु निर्देश देछन्ती टीकाकरण मध्ये हमर 18-44 वर्ष मागणा दिया जीवो आमे टीकाकरण को आमे ग्लोबल टेंडर करिछु एवं आपण जानिछन्ती आसंता 4 मास भितरे 6 मास भितरे निश्चित भावरे टीकाकरण को करा जीवो ता सहित टेस्टिंग बडा जीवो सेबडे मुख्यमंत्री को एपरि चिट्ठी लेखा को समालोचना करिछन्ती बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार लेखाश्री कहिछन्ती अकल रे पड़िबारु शेषरे सत कहिछन्ती सरकार राज्य सरकार बेस किछि दिन राज्य रे केन्द्र सरकार को विरोध रे ड्रामा ओ प्रहसन कले ग्लोबल टेंडर नारे केवल निजर प्रचार कले आ निराश सेवा परे एबे सत मानिले मोदी सरकार देशर 130 कोटी लोकंकु टीका देबा पई कार्य करुछन्ती मोदी सरकार को संकल्प देशवासी टीका नेबे राज्य सरकार शेष को संपूर्ण भाव रे निराश हेले आ अकलिया रे पड़िला परे पूर्णी आउ थरे मोदी जी को भरोसा करिछन्ती पूर्णी मोदी जी को ही स्मरण करिछन्ती अकलिया रे पड़ले जेंती राज्य सरकार शेष को सत कहिला भलिया शेष को स्वीकार कले जे मोदी जी ही टीका जोगै दे परिबे ओडिसा को आ आमे मध्य प्रतिश्रुति दोछु जे ये मोदी सरकार संकल्प जेबे जेबे टीका तैयारी हम लोकों पाखे पहुँचव आवश्यकता अनुजाई पहुँचव कौन सी लोक बिना टीकारे रहिबे नाही देशव्यापी लोकंर टीकाकरण हम वर्ष शेष सुधा समस्ते टीका पाइबे
ग्लोबल टेंडर बाहस्फोट मारुथिबा सरकारकर हटात यूटर्न नेबाकु नै एबे जोर धरिछि राज्य राजनीति। ब्युरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। टीका प्रदान क्षेत्र में प्रधानमंत्री भरोसा करथिबार मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आज राउरकेला 100 शय्या विशिष्ट कोविड हस्पिटाल लोकार्पण कार्यक्रम में जोगदे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते टीका प्रदान क्षेत्र में केन्द्र सरकार समस्त को समान भाव देखुछन्ति। ओडिशार जनसंख्या देशर जनसंख्यार 3%। वर्तमान देश में 23 कोटी टीका उत्पादन होता बेले से 85 लक्ष टीका ओडिशा को आसी उत्पादित होता टीकारु राज्य को आसी पखापाखि 4% टीका। केन्द्र सरकार समस्त को समान भाव देखिंट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आ टीका प्रदान क्षेत्र में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रधानमंत्री भरोसा कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आज राउरकेला ठारे कोविड हस्पिटाल लोकार्पण कार्यक्रम में जोगदे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते आरंभ कि विलंबरे समस्त परामर्श केन्द्र सरकार ग्रहणीय लोक कल्याणकारी परामर्श ग्रहणीय हो देशवासी टीका प्रदान पर केन्द्र सरकार काम कर 50% टीका केन्द्र सरकार दे 25% टीका राज्य सरकार आनिबार व्यवस्था अच्छी तेरे आउ 25% टीका कॉर्पोरेट चैनल मानक दि जाऊँ धर्मेन्द्र। ओडिशा रे कॉर्पोरेट चैनल व्यवस्था रे टीकाकरण आरंभ हो जाएगी धर्मेन्द्र प्रधान। बंधुगण आम समस्त दायित्व भारत वैज्ञानिक मान भारत डॉक्टर्स मान भारत एक्सपर्ट मान कैपेसिटी को आम समस्त भरोसा करू। जुलाई मासरु प्रतिदिन 1 कोटी टीका निर्मित हम यही वर्ष सुधा आम लक्ष्य रखी 2021 रे भारत सब नागरिक को पर्याप्त मात्रे टीका लगेगा। भारत सरकार खोला मन रखते जिते भल परामर्श आसब जीए भी दब आरंभ दौ विलंब दौ कि असुविधा ना। राउरकेला इस्पात निदान केन्द्र लोकार्पित होता बेले ए केन्द्र रही 100 शय्या विशिष्ट कोविड बेड जहां सुंदरगढ़ तथा आखपाख जिलार कोरोना रोगी लाभदायक है। ज्वेल ओराम कहते पर्टिकुलरली आमर मंत्री धर्मेन्द्र बाबू को धन्यवाद दूची जे इटा गोटे बहुत मान डिलापटेड बिल्डिंग थिला रेकर्ड समय रे बहुत अल्प समय रे से कम्प्लीट करी जेहेतु अक्सीजेन सहित बेड एवं भेंटिलेटर एवं आपणकर आईसीयू ये व्यवस्था ये कले इटा बहुत ही लाभदायक हम पार्टिकुलरली सुंदरगढ़ जिले में झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ पाखापाखी एवं देवगढ़ जिला पर्यंत लोक ये आसुचर लोक कोरोना को मुकाबला करने मूल चाबी टीका और टीका पाई एवं केन्द्र सरकार आरंभ हो जोरदार प्रस्तुति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर होइछन आगो को भी जारी रहइबो हेले सब होइछ आ एक कमर्शियल ब्रेक रा ब्रेक पर स्वागत। आदिवासी इलाका रे पिलांको जीवन सह खेल चिकित्सा पाई ना अच्छे भित्तिभूमि ना अच्छे डाक्तर ना अच्छे नर्स ए अंचल रे गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िका 134 जन शिशु रोग विशेषज्ञ आवश्यकता थी बेले केवल 17 जन को निजुक्ति देते राज्य सरकार एवं आहुरी 117 शिशु रोग विशेषज्ञ पदवी एवं भी खाली पड़ी केबे पूरण हेब खाली पड़ता शिशु विशेषज्ञ पद देखा अर्गस ग्राउंड रिपोर्ट। दरकार 134 मात्र 17 आदिवासी इलाकारु राज्य सरकार को प्रश्न पिलांको जीवन सहित काहीं खेल केबे पूरण हेब खाली पड़ता शिशु विशेषज्ञ पद कोरोना समय पिलांको स्वास्थ्य सेवार असुस्थ चित्र ना डाक्तर अछंती ना अछंती स्वास्थ्यकर्मी। मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा आदिवासी इलाकारे पिलांको स्वास्थ्य सेवार विकल चित्र हॉस्पिटल अछि डाक्तर नाहंती कि स्वास्थ्यकर्मी नाहंती 2016 रु भी किछि सिखिलानी स्वास्थ्य विभाग एही वर्ष मालकानगिरी और आखपाख जिले में आतंक खेलाइथिला जापानी ज्वर राज्यसभा उत्तर उपर नजर पकातु 2016 रे जापानीज एनसेफालाइटिस 36 एवं आक्यूट एनसेफालाइटिस 100 शिशु प्राण हरते केवल मालकानगिरी जिले में 2016 मसीह जापानी एनसेफालाइटिस रोग जो मालकानगिरी जिले में शह शह शिशुंकर मृत्यु घटी से सरकार पारिवापणिया गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि
ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନୀ ତ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୁଣପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ 19 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦାନ୍ତ ପାଇଁ, ଆଖି ପାଇଁ ବା ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଚେତିଲେନି ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 134 ଜଣ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ କେବଳ 17 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଆହୁରି 117ଟି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ସେପଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ବି ସମସ୍ୟାକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ 174 ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ସରକାର 17 ପଦବୀ ନୀରବ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି CSCକୁ ଗଲେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ DHHକୁ ମାନେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତିକି ବି ତତ୍ପର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ବି, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏଇ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏ ଆଗାମୀ ଦିନ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା, କେବେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କ'ଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟରେ ବାତିଲ ହେବ କି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା? CBSE ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହ CBSEର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଆଗରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଭୟର ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ। CBSE ପରେ ଏବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଚିନ୍ତା, କ'ଣ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ନେବେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ CHSEର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକତା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବହୁବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣାଇ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। CBSE ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ସହମତିର ସୂଚନା ମିଳିଛି, କାରଣ କରୋନା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। CBSE ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହିଁ ରାସ୍ତା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହ CBSEର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ କରୋନା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଆଗରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। CBSE ପରି ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡରେ ହୋଇନାହିଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷା, କିପରି ହେବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ? କଲେଜ ପାଖରେ ରହିବ କି ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର, ନା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ? ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିପରି କରାଯିବ? ଏନେ ଆଶଙ୍କାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ କି? ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଭୟର ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷାଟା ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାମାନେ CBSE ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କର ହେଇନି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଭାଲୁଏସନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଅଧିକ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିବୁ, ଆମେ କୋଉ ବେସିକ୍ରେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ମିଳିବ କେମିତି? ଆମକୁ 11th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ବା 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ? ତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ କଥା ହଉଛି କୋଉ ବେସିକ୍ସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବେ।
ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।